राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। आज मैं आई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज मैं दिखाती हूँ गांवों की श्याम। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। ये मैंने कुछ पौधे मंगवाए हैं, टमाटर और मिर्ची के। ये वो प्लाट है हमारा, वहाँ पर इनको बो के आएंगे। तो हम सब लोग जा रहे हैं। ये मेरी बड़ी बेटी है, वो मेरा बेटा है। तो मैं इनसे बोल रही हूँ कि चलो तुम भी चलो। दोनों भाई बहन तो बोल रहे हैं नहीं, हम नहीं जाएंगे, काम करवाओगे। ये मेरी सास है। हम सभी लोग जा रहे हैं और मेरी छोटी बेटी बाहर ही होगी, वो सबसे पहले ही तैयार रहती है। तो अब हम सब लोग चल दिए हैं। देखना आप, गाँव में शाम का माहौल तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप देखना, आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मैं आपको लेके चलती हूँ। हमारे जो प्लाट है, दूर है थोड़ा सा, 700-800 मीटर ही दूर है। वहाँ पे चलते हैं और दिखाते हैं हम क्या क्या करते हैं। तो देखो, वो आ गई मेरी छोटी बेटी। देखो ये रही, ये बोल रही है कि मैं उगा दूँगी सबको। हम हमारे प्लाट में पहुँच गए हैं। यहाँ पर मैंने पहले भी कुछ सब्जियाँ बोई हुई हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। कुछ भिंडी भी बो रखी है, तोरई और घिया। ये आज टमाटर और मिर्ची के पेड़ उगाए हैं। देखो, तोरई और घिया के पौधे तो उग भी आए हैं। और मैंने आलू भी उगा रखे थे, तो आलू आज मैं निकाल रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आज कितने आलू निकलेंगे। हैं तो थोड़े पतले पतले से, लेकिन घर के हैं तो सब ठीक है। इसी तरह से गाँव में टाइम का पता नहीं चलता है, कैसे टाइम पूरा हो जाता है काम करते करते। देखो, मैंने सभी आलू निकाल लिए हैं। ये आलू निकले हैं। 5-6 पेड़ लगाए थे मैंने, तो उनके 2-3 तो जल गए थे, 2-3 के ही हैं। ये मेरी भिंडी उगाई है, सभी सब्जियां उगा रखी हैं। जो गांव में रह रहे हैं तो क्यों ना घर की सब्जी खाई जाए। काम और शाम का माहौल देखो कितना अच्छा हो रहा है। ये भाई बहन खेल रहे हैं। अब हम जो मिर्ची के पेड़ लेके आए थे वो लगा लेंगे। ये क्यारी मैंने तैयार कर ली है, तो इसी में उगा दूँगी। अब ये सभी पेड़ लगा दूँगी, जगह जगह गड्ढे करके फिर इनको लगाएंगे। अब तो हम लोग भैंस नहीं रखते हैं, नहीं तो पहले मैं भैंस भी रखते थे, गाय भी थी हमारे पास। तो गांव में बहुत काम होता है गाय भैंसों का, सुबह शाम चारा डालना, वो सब करना। अब मेरा बेटा छोटा है तो इसलिए मैंने भैंस नहीं, गाय भी कुछ नहीं रख रखा। और इस टाइम पे अप्रैल के महीने में तो गांव में फसल कटाई का काम भी चल जाता है। तो मेरा बच्चा छोटा है ब्रज अभी, मेरा बेटा, तो इस वजह से हमने हमारे खेत पे वैसे माल पे ही उठा रखे हैं, वैसे दे रखे हैं। हमने खेती खुद नहीं की है, नहीं पहले 4-5 साल पहले हम सब चीज़ खुद किया करते थे, पशु भी रखते थे, खेती भी खुद किया करते थे। तो बहुत ही बिजी लाइफ होती है गाँव की, एक टाइम मिनट की भी फुर्सत नहीं होती है। ये देखो, मेरी छोटी बेटी झाड़ू लगा रही है, बोल रही है मैं सफाई करूँगी, मैं झाड़ू लगाऊँगी। मेरे दो बेटी और एक बेटा है। बेटा छोटा है, अभी 1 साल का ही हुआ है, बेटी बड़ी है दोनों। प्लाट का हमारा काम था, जो पौधे लगाने का, वो सब्जी लगाने का, वो सारा हो गया है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, आप सभी में पानी भी डाल दिया है, पौधे भी लगा दिए हैं। तो अब चलते हैं हम घर। घर चल के आज मैंने बनाई एक कान्हा जी की ड्रेस और बनाया इवनिंग में नाश्ता। तो देखना आप, ये मैं बना रही हूँ कान्हा जी के लिए ड्रेस। इसके लिए मैंने लिया है कॉटन का कपड़ा। ये इनकी इसकी लंबाई है वैसे 5-4.5 इंच और लंबाई है इसकी 17। डबल में है ये कपड़ा। ये ड्रेस 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे पास 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनके लिए, मेरे कानू के लिए मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से सिलाई कर लेंगे और इसके ऊपर ये लेस भी लगा रही हूँ। देखो इस तरह से मेरी ड्रेस तैयार हो गई है। ये नीचे की चोली तैयार हो गई है, अब ऊपर का बनाते हैं। वो बनाऊँगी मैं एक लेस से।
देखो ये मेरे पास एक लेस है, ये दो बराबर के 5-5 इंच के टुकड़े कट कर लिए हैं मैंने, और एक साइड से हम इस पर सिलाई लगा के बंद कर लेंगे। दिखाती हूँ मैं आपको, देखो इस तरह से मैंने सिलाई लगा के बंद कर लिया है, तो हमारी ड्रेस इस तरह से तैयार होगी देखो। और अब इसके लिए बनाएंगे एक कैप, ये भी मैंने 5 इंच का टुकड़ा लिया है, देखो 5 इंच का टुकड़ा है, अब इससे कैप बनाते हैं। देखो हमारी कैप बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा व्लॉग, मेरे को इतना अच्छा व्लॉग तो नहीं बनाना आता, अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। देखो मेरे कानों की कितनी प्यारी लग रही है ड्रेस। तो अब बनाते हैं शाम का नाश्ता। ये नाश्ता आप शाम दोपहर कभी भी बनाइए, बहुत हेल्दी है, टेस्टी है, खाने में बहुत ही लाजवाब है। एक बार आप इसे बना के देखिए, बच्चे बूढ़े जवान कोई भी हो मांग मांग के खाएंगे, बचेंगे भी नहीं। बिल्कुल हेल्दी चिल्ला है, डोसा बोलो चिल्ला बोलो जो भी। चलो इवनिंग के टाइम बना रही हूँ, तो बनाना शुरू करते हैं। बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ 1 कप मूंग। ये मैंने साबुत मूंग लिए हैं, इनको धो के और ओवरनाइट के लिए पूरी रात के लिए भिगो लिए हैं। आपके पास जो भी मूंग हो वो आप ले सकते हैं, मैं घर के देसी मूंग ले रही हूँ, मेरे पास जो थे वो ले लिए, बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। आपके पास जो हो वो आप ले सकते हैं। इनको पूरी रात या कम से कम 5-6 घंटे के लिए ज़रूर भिगोना है। अब हमें करना क्या है, एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें जो मूंग ही ये सारे मूंग इसमें हम डाल देंगे। आप जितने मूंग लेने चाहें, जितने चिल्ले बनाना चाहें आप उतने ले सकते हैं। 1 कप मूंग से 5 चिल्ले बन जाएंगे, डोसा चिल्ला जो भी कहो सब एक है। मैंने अब 6 से 7 हरी मिर्च ली हैं, ये ज़्यादा तीखी नहीं है, नॉर्मल मिर्च है। यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और अब इसको हम पीस लेंगे। हमें लगातार चलाते हुए नहीं पीसना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। आपको दिख रहा होगा कि मैंने बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है। अब एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सारे पेस्ट को मैंने एक कांच के बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी आज मैं गाँव के देसी चूल्हे पर बनाऊँगी। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। ये हमारा चूल्हा है, मिट्टी का चूल्हा। अब इसमें आग जलाऊंगी, आपको मैं दिखा रही हूँ। मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी किसी को आग जलाना भी नहीं आता, तो आप प्लीज़ ये भी दिखा दो। तो चलो ठीक है। और यहाँ पे रखा है मैंने लोहे का तवा, नॉन स्टिक तवा, कुछ नहीं, सिर्फ लोहे के तवे पे ही बनाएंगे। और झट से देखो हमारे डोसे बन जाएंगे। बैटर को दोबारा से अच्छे से मिक्स किया, तवे पे 2 चम्मच बैटर डाला और अच्छे से फैला लेंगे। और बैटर डालने से पहले थोड़ा सा हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, जिससे हमारा चिल्ला है वो आराम से निकल आए। हम इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून ही ऑयल यूज करेंगे, हम इसमें ज़्यादा ऑयल यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। देखो मैंने चारों तरफ से चिल्ला अच्छे से फैला लिया है डोसा। अब चारों तरफ हल्का हल्का तेल डाल दिया है, बिल्कुल आप चाहें तो डालें, नहीं तो वरना ये वैसे भी उतर जाएंगे। और ये आयरन के लोहे के तवे पे बना रहे हैं, नॉन स्टिक का कोई चक्कर नहीं है, और वो भी देसी तरीके से। देखो कितना सुंदर चिल्ला बन के रेडी हुआ है, दिख रहा होगा आपको। एक साइड से सिक गया बिल्कुल क्रिस्मी, और दूसरी साइड से और सेक लेते हैं। हमारा चिल्ला सिक के रेडी है, इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको कट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी ये ऑयल फ्री रेसिपी, हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और ये झटपट से यकीन मानो इतने टेस्टी बने हैं, इतने टेस्टी बने हैं। इसके आगे तो डोसा सब फैल हैं, और साबुत हरे मूंग से हमने बनाए हैं, ऑयल फ्री हैं, गर्मियों का सीज़न है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करना। और इसके साथ मैंने डाली है नींबू की खट्टी मीठी चटनी, ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है। आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा, रेसिपी, कान्हा की ड्रेस, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मुझे सपोर्ट करें, आप बताएं कि मेरा व्लॉग कैसा रहता है। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको कुछ अच्छा दिखाने की, और मैं जो भी मेरी रूटीन है धीरे धीरे सब आपको दिखाऊंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।